सर्वजन पेंशन योजना को लेकर पंचायतों में मेगा शिविर आवेदन को लेकर उमड़ी भीड़। डंडई से हमारे संवाददाता मीर हसन अंसारी की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड अंतर्गत ग्राम जरही पंचायत सचिवालय में राज्य सरकार की ड्रीम सर्वजन पेंशन योजना से लाभान्वित करने के लिए सभी 60 वर्ष के योग वृद्ध महिला और पुरुषों को पेंशन का सीधा लाभ देने के लिए ग्राम पंचायत जरही के पंचायत सचिवालय में मुखिया महेंद्र चौधरी की उपस्थिति में रविवार को विशेष शिविर आयोजन किया गया। वहीं शिविर में 70 योग वृद्ध ग्रामीण महिला पुरुषों ने सर्वजन पेंशन से लाभान्वित होने के लिए शिविर में आधार कार्ड, बैंक विवरण और पहचान पत्र के साथ हस्तलिखित आवेदन सौंपा है। वहीं पंचायत सेवक ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा सभी 60 वर्ष के वृद्ध महिला और पुरुष को पेंशन योजना से लाभान्वित करने के लिए किसी भी जाति समुदाय से हो उन्हें पेंशन जैसी महत्वपूर्ण योजना से लाभान्वित करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। और पंचायत सेवक ने यह भी बताया कि पूर्व में वृद्धा अवस्था पेंशन के लाभान्वित करने के कई तरह के नियमावली बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत से योग जरूरतमंद पेंशन जैसी योजना से वंचित रह जाते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि पेंशन के लिए अब किसी भी गांव के वृद्ध महिला और पुरुष को इधर उधर आवेदन लेकर भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं पर मौजूद बीडीसी प्रतिनिधि हैसियत राजा, पवन कुमार गुप्ता, नाथुन पासवान, अजय चौधरी उप मुखिया, दिनेश कुमार और काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे थे डेली न्यूज झारखंड। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ग्राम पंचायत सचिवालय जरही के प्रांगण में सर्वजन योजना के अंतर्गत पेंशन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 70 आवेदन प्राप्त हुए, 70 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और इसके बाद भी आवेदन और भी अधिक प्राप्त होने की संभावना है। और ये बहुत ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका फ़ायदा सभी वंचित परिवार के लोगों को जो पेंशन के योग्य हैं उनको मिलेगा। धन्यवाद।